बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। तुगलक एपिसोड 4। हसामुद्दीन को हीरा चंद अपने घर ले आया। ये एक बहुत बड़े जागीरदार नवाब मुजफ्फर अली की शानदार हवेली थी, जिसे खुसरू खान ने जब्त कर लिया था और हीरा चंद को अजराहे बंदा नवाजी अता फरमा दिया था। और यह हीरा चंद वजीर आजम बनने के बाद उस हवेली पर काबिज था। सारा इक्तदार और इख्तियार उसके हाथ में था। खुसरू खान को उसने मुट्ठी में ले रखा था और जो चाहता था करता था। जाती तौर पर यह खुद भी अव्वल दर्जे का मुतासब और मुस्लिम आजार था। कुतुबुद्दीन खिलजी के ज़माने में यह पुलिस का बहुत बड़ा ओहदेदार था। खुसरू खान ने इसे वजीर आजम बना दिया। हर दौर में उसकी सबसे बड़ी खसूसियत यही रही कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए और उनका दबदबा व तंतना ख़त्म कर दिया जाए। खुसरू खान के सामने तो हीरा चंद सिर्फ तलवार सौंत कर रह गया था, लेकिन अब अपनी हवेली में वो हसामुद्दीन की जिंदगी का मालिक था और उसने तय कर लिया था कि मुजरिम ने अफशाए राज ना किया तो उसे हलाक कर देगा। हवेली में आने के बाद वो अपने खास कमरे में पहुंचा। हसामुद्दीन भी रस्सियों में जकड़ा हुआ साथ साथ हाजिर किया गया। हीरा चंद ने उन सिपाहियों को जो उसे साथ लाए थे रुख्सत कर दिया और तनहा कमरे में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने पूछा, तुम्हें जिंदगी मतलूब है या मौत, इज्जत के ख्वाह हो या जिल्लत के, इमारत चाहते हो या गुर्बत। हसामुद्दीन ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता और अगर चाहता भी हूं तो आपसे नहीं चाहता। हीरा चंद को गुस्सा आ गया, पूछा, फिर किससे चाहते हो? वो बोला, अपने खुदा से। हीरा चंद ने एक कहकहा लगाया और कहा, अपने खुदा को भूल जाओ, इसलिए कि वो तुम्हें फरामोश कर चुका है। वो कहने लगा, ना मैं खुदा को भूल सकता हूँ ना मेरा खुदा मुझे फरामोश कर सकता है। हीरा चंद कहने लगा, अगर तुम्हारे खुदा ने तुम्हें फरामोश नहीं कर दिया है तो इतना बड़ा इंकलाब कैसे आ गया? मुस्लिम हुकूमत क्यों खत्म हो गई? आज मुसलमानों की शेखी कहाँ है? मैं भी देखूं कितने जहीन हो तुम। वो गोया हुआ, ये इंकलाब इसलिए नहीं आया कि हम गुलाम बन गए हैं और तुम्हारे हिस्से में आकाई आ गई, फिर किस लिए आया है? ये कुदरत की तरफ से ताजियाना इबरत है हमारे लिए। हमारा जमीर मुर्दा हो गया था, हमारे इखलाक बर्बाद हो गए थे, हमने इस्लाम को अमली तौर पर छोड़ दिया था, हमने इस्लाम की तालीमात को फरामोश कर दिया था, हमने इकदारे इस्लामी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी और वो मिल गई। हाँ, लेकिन आर्जी तौर पर सिर्फ चंद दिन के लिए। यह अंदाजा तुमने कैसे लगाया? इस तरह की मुसलमान कौम गुलामी के लिए नहीं बनी है। अच्छा, तो अब भी आप आज़ादी के ख्वाब देख रहे हैं? अब भी आपको उम्मीद है कि मुसलमान फिर हुकूमत पर काबिज हो जाएंगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। इस ख्याल अस्तो मजाल अस्तो जनून, मुंह धो रखो। बारहा ऐसा हुआ है और अब भी हो सकता है, और मेरा ख्याल है जरूर होगा। शायद तुम गाजी मलिक और जोना खान पर नाजा हो, लेकिन बहुत जल्द वो भी इस जगह इस तरह रस्सियों से जकड़े नजर आएंगे जैसे इस वक्त तुम खड़े हो। मेरी आंखें तो इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं आपको देख रही हैं। सिर्फ आप ही को नहीं, खुसरू खान को भी और उसके साथियों को भी। और इस कुर्सी पर जिस पर बैठा हूं तुझे कौन नजर आ रहा है? क्या वो नाम गाजी मलिक के अलावा भी किसी का हो सकता है? हीरा चंद में ताबे जब्त ना बाकी रही। वो बेताबी और बेकरारी के साथ उठा और कोड़ा लेकर हसामुद्दीन की तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसके पास जाकर पूछा, क्या कहा तूने? हसामुद्दीन ने जरा भी मरूब हुए बगैर जवाब दिया, क्या आप कुछ ऊंचा सुनते हैं? हीरा चंद ने कोड़ा फिजा में बुलंद किया और ट्र ट्र हसामुद्दीन पर बरसाना शुरू कर दिया। वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था और खामोशी के साथ मार खाता रहा। और फिर दफातन ना जाने उसमें किस बला की ताकत आ गई, उसने एक मरतबा अपने बदन को जुम्बिश दी और बंधे हुए हाथ रस्सी के फंदे से आजाद कर लिए। और फिर बिजली की तेजी से लपक कर उसने वो कोड़ा हीरा चंद से छीन लिया और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। हसामुद्दीन के बदन पर पूरी कुव्वत से हीरा चंद ने 10-15 कोड़े लगाए थे, मगर उसने उफ तक भी नहीं की थी। और हीरा चंद हसामुद्दीन के हाथ से 2 कोड़े खाने के बाद ही ऊंट की तरह बिलबिलाने लगा। चीख चीख कर उसने हवेली सर पर उठा ली। सबसे पहले धम धम करती 2 औरतें आई। उनमें एक हीरा चंद की बीवी थी राधा और दूसरी उसकी बहन थी श्यामा। उन दोनों ने शोहर और भाई की एक अजनबी के हाथों जो ये दुर्गत देखी तो वावेला शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों के अंदर हवेली के मुसल्ला मुलाजिम दौड़ पड़े और उन्होंने हसामुद्दीन को बजोरे कुव्वत एक मरतबा फिर गिरफ्तार करके रस्सियों में जकड़ दिया। इस कशमकश में हीरा चंद भी जख्मी हुआ और हसामुद्दीन भी। हीरा चंद मामूली तौर पर, हसामुद्दीन उससे कहीं ज्यादा। हीरा चंद ने शर्फिशां और खून बार नजरों से हसामुद्दीन को देखा और निहायत हकारत के साथ सवाल किया, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल?
हसामुद्दीन के सर, माथे और रुखसार से खून अब तक बह रहा था। उसने आस्तीन से खून पहुंचा और जवाब दिया, मेरी हिम्मत और मजाल तू देख चुका और अब भी अगर हवस बाकी है तो तैयार हो। अगर मेरे हाथ खुल जाए और मेरी तलवार मुझे दे दी जाए तो तुम सब नमक हरामों से मुकाबला कर सकता हूँ। हीराचंद का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तू हमारे शहंशाह का गद्दार है। हसामुद्दीन ने उसके अल्फाज दोहरा दिए, तू हमारे शहंशाह का गद्दार है। हीराचंद जहर खंद करता हुआ कहने लगा, तेरा बादशाह कब्र की गोद में सो रहा है। हसामुद्दीन ने जवाब में कहा, वो वक्त जल्द आने वाला है जब तेरे बादशाह को कब्र का कोना भी नसीब ना होगा। वह मूछों पर ताव देता हुआ बोला, इन बातों से क्या होता है, जो होना था वो हो चुका। कुतुबुद्दीन खिलजी मार डाला गया, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। सुल्तान खुसरो खान अब एक जिंदा हकीकत है, उसकी हुकूमत कायम हो चुकी है, सारे मुल्क ने उसे तस्लीम कर लिया है। तुम चंद सर फिरे लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हो, बेहतर यह है कि सरकशी से बाज आ जाओ। हमारे खुदावंद बहादुरों के कदरदान हैं, शरीफों के सरपरस्त हैं, उनकी बारगाह से मुंह मांगा इनाम मिलेगा, ओहदा पाओगे, मनसब मिलेगा, जागीर बख्शी जाएगी, जो चाहोगे वो होगा, लेकिन शर्त यह है कि वफादारी का इकरार कर लो और जोना खान के बारे में जो कुछ जानते हो बता दो। असामुद्दीन ने एक मरतबा फिर आस्तीन से अपना बहता हुआ खून पहुंचा और कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं ओहदे और मनसब का भूखा नहीं हूँ, जागीर की तमन्ना भी नहीं रखता। इसके बावजूद जोना खान के बारे में जो कुछ आप पूछेंगे बता दूंगा, कोई बात नहीं छुपाऊंगा। हीराचंद का चेहरा धमक उठा। उसने पूछा, सच कहते हो? बड़े तैवर के साथ हसामुद्दीन ने जवाब दिया, बिल्कुल सच। हीराचंद ने जोश मुसर्रत से बेकाबू होकर कहा, तो फिर जो कुछ जानते हो सब बता दो। हसामुद्दीन ने सवाल किया, सब बता दूं, एक एक बात? हीराचंद ने शयामा से कहा, शरबत लाओ। जो सिपाही अब तक उसे घेरे खड़े थे उन्हें हुक्म दिया, इसे खोल दो। फिर उसे मुखातिब हुआ, आओ यहाँ हमारे पास बैठ जाओ, हमें तुम पर एतमाद है। हम जानते हैं बहादुर आदमी दगा नहीं करता, यकीनन हमारी दी हुई आजादी से तुम नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। असामुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। हीराचंद ने हसामुद्दीन को अपने पास बिठा लिया और जो सिपाही और मुलाजिम मौजूद थे उन्हें बाहर चले जाने का हुक्म दिया। आन की आन में कमरा खाली हो गया। राधा भी मुतमईन होकर चली गई। जब सब चले गए तो हीराचंद ने ज्यादा से ज्यादा अपनायत के साथ सवाल किया, अब बताओ जो कुछ जानते हो सब बता दो। हसामुद्दीन ने इस तरह जैसे वो हीराचंद के दाम में असीर हो चुका हो कहा, वो सुल्तान खुसरो खान का मुखालिफ है, मैं जानता हूँ। उसकी स्कीम यह है अपने बाप गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक को आमादा करे कि वो अपना लश्कर गिरा लेकर दहली पर चढ़ाए। यह भी मुझे मालूम है। उसने अपने मखसूस दोस्तों और साथियों को इस काम पर मामूर किया है कि वो दहली के मुसलमान बाशिंदों में सुल्तान खुसरो खान के खिलाफ इश्तियाल पैदा करें, नफरत के जज्बात पैदा करें, उन्हें जिहाद के ताल और कुश्तो खून पर आमादा करें, और जब गाजी मलिक और जोना खान अपनी फौज लेकर दहली पर हमलावर हों तो वो उनका साथ दें, सारे शहर में अफरा तफरी मचा दें, आग लगा दें, हंगामा खड़ा कर दें, बगावत शोरी सरकशी और गदर बर्पा कर दें। खुसरो खान इस दो तरफा हमले की ताब नहीं ला सकेगा, हार जाएगा। कुछ सोचते हुए, अच्छा तो ये है स्कीम? जी हाँ, यही स्कीम है, कोई शुबा नहीं, ये एक जहीन दिमाग की इख्तरा है। बेशक जोना खान के जहीन होने में तो उसके बदतरीन दुश्मन भी शुबा नहीं कर सकते। अच्छा एक बात तो तुमने बताई नहीं और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कौन सी बात है जो आप दरियाफ्त करना चाहते हैं और मैंने नहीं बताई? जोना खान के वो दोस्त साथी और हमदर्द कौन है जिनके जिम्मे उसने तकरीबी काम सौंपा है? उनका लीडर मैं हूँ। तुम? हसामुद्दीन, तुम? हसामुद्दीन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि एक चांदी की थाली में शरबत से भरा हुआ सोने का गिलास लेकर शयामा नसीमे बहार की तरह आई और हसामुद्दीन के सामने कर दिया। हसामुद्दीन ने एक नज़र शयामा पर डाली फिर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं नहीं पीऊंगा। हीराचंद ने इसरार किया, कैसे नहीं पियोगे, पी लो। श्यामा बोली, इत्मीनान रखिए, ये जहर नहीं है। फिर हीराचंद ने एक फरमाइशी कह कहा लगाया और गोया श्यामा का तारुफ कराते हुए फरमाया, बड़ी चंचल लड़की है। हसामुद्दीन से कहा, चंद घूट पी लेने में क्या हर्ज है? हसामुद्दीन ने इनकार नहीं किया, पी लिया। वो शरबत पी चुका तो हीराचंद ने फिर पूछा, तो जोना खान की नुमाइंदगी तुम कर रहे हो? हसामुद्दीन ने बेझिझक कह दिया, जी हाँ, यह काम मुझे सौंपा गया है और जामे मस्जिद में जो तकरीर मैंने की थी वो मेरे दावे का बेहतरीन सबूत है। अगर मैं इस हुकूमत का वफादार होता तो ऐसी तकरीर किस तरह कर सकता था? हीराचंद ने सवाल किया, लेकिन तुमने ये भी सोचा कि इन बातों का अंजाम क्या होगा? हसामुद्दीन ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया,
जो होना है वही होगा, या हम खुसरो खान का तख्ता उलट देंगे या वो हमें खत्म कर देगा। अब तो ये जंग शुरू हो चुकी, सुलह पर इसका खात्मा नहीं हो सकता। हीरा चंद समझाता हुआ गोया हुआ, तुम अभी नौजवान हो, जवान ही नहीं जवाने राना, खूबसूरत हो, खूब रू हो। तुम्हारे हुस्न मर्दाना को देखकर रश्क आता है मुझे। ये दिन मरने के नहीं है, क्यों हाथ धोकर अपनी जान के पीछे पड़े हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपके इन हमदर्दाना और मुखलिसाना अल्फाज का शुक्रिया, लेकिन मौत ना जवान को देखती है, ना बूढ़े को, ना बच्चे को, ना खूबसूरत को, ना बदसूरत को। उसे जब आना होता है आ जाती है, और जब वो आती है तो फिर उसे कोई वापस नहीं कर सकता। जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता, और जब वो आ जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। हीरा चंद लाजवाब हो गया, लेकिन सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगा, ये तो ठीक है, लेकिन खुद से मौत को दावत देना कहाँ की अकलमंदी है। बजा फरमाया आपने, यकीनन खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जिंदगी खुदा की दी हुई इमानत है। इंसान को जिंदगी इसलिए नहीं अता की गई कि खाए पिए मजे करे और जब मौत आए मर रहे। फिर किस लिए दी गई है ये भी बता दो। इसलिए दी गई है कि इंसान इज्जत की जिंदगी बसर करे, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मौत ऐसी जिंदगी से हजार दर्जे बेहतर है। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन तुम्हारी इज्जत को क्या खतरा है? कल तक हम हुक्मरान थे, इस देश के मालिक थे, इस शहर पर हुकूमत करते थे, हमारा सिक्का चलता था, हमारे अहकाम नाफिज होते थे, हमारे एक इशारे पर निजाम मुमलिकत दरहम बरहम हो जाता था। आज हम क्या हैं? गुलाम। गुलामी की जिंदगी पर किनाद करना इंसानियत की तोहीन है, और मैं इस जुर्म का इर्तकाब नहीं कर सकता। कौन कहता है कि तुम गुलाम हो? मेरी गुलामी के आप गवाह हैं, इस कमरे के दरो दीवार शाहिद है। अभी जरा पहले रस्सियों में जकड़ा हुआ मैं यहाँ खड़ा था, और अब आपके हुक्म से आजाद किया गया हूँ, और अभी अगर आप इरशाद फरमाएं तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। आप हुक्म देंगे तो मेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी, महज इसलिए कि मैं गुलाम हूँ, वरना मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, किसी की जेब नहीं काटी है, कहीं डाका नहीं डाला है, कजाकी नहीं की है। हसामुद्दीन, हमारे दिल में तुम्हारी इज्जत पैदा हो गई है, तुम्हारी बातों से हम बहुत मुतासिर हुए। ये बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो बहादुर हो, नेक हो, शरीफ हो और ऊंचा इंसान हो। तुम्हें ये सब खूबियां पाई जाती हैं। आओ हम तुम सुलह कर लें, दोस्त बन जाएं, अहद कर लें कि जिंदगी के आखिरी सांस तक हक़ वफा निभाएंगे। ये उस वक्त हो सकता है जब आप भी हमारी जमात में शरीक हो जाएं। क्या कहा? मैं तुम्हारी जमात में शरीक हो जाऊं? मैं सुल्तान खुसरो खान का दुश्मन बन जाऊं, उनके खिलाफ बगावत करूं, उनके दुश्मनों का साथ दूं, ये चाहते हो तुम? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ये किस तरह हो सकता है? तो फिर हमारी सुलह भी नहीं हो सकती, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी नहीं कायम हो सकता। कितनी अनहोनी बात है जो तुम कह रहे हो, गौर कीजिए तो इससे बढ़कर माकूल और काबिले कबूल कोई बात नहीं हो सकती। मैं नहीं मान सकता, मैं मनवा भी नहीं सकता, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या खुसरो खान बादशाहत की अहलियत रखता है? क्या एक बादशाह को अपनी रईयत के साथ वही सलूक करना चाहिए जो वो कर रहा है? क्या किसी बदअहद, नमक हराम और बेवफा शख्स पर एतमाद किया जा सकता है? ये तुम खुसरो खान को कह रहे हो? जी हाँ, कुतुबुद्दीन खिलजी ने जो एहसानात खुसरो खान पर किए थे वो अगर सांप पर किए होते तो दुनिया भूल जाता, लेकिन उसने उसी की गर्दन काटी। जब ये कुतुबुद्दीन का नहीं हुआ तो और किसका हो सकता है? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल वाजह है, ये सिर्फ उन लोगों का दोस्त है जिनसे उसकी गरज वाबस्ता हो। गरज निकल जाने के बाद हरगिज ये किसी का दोस्त नहीं है। ये कैसे कह सकते हो तुम? मैं गलत नहीं कहता, आज ये आप पर मेहरबान है, इसने आपको आलाकार बना रखा है, लेकिन क्या दिल पर हाथ रखकर आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि कल जब इसे आपकी जरूरत नहीं रहेगी ये आपका ऐसा ही दोस्त रहेगा? सचमुच बताइए, आपको मुसलमानों के दौरे हुकूमत में ज्यादा सुकून कल्ब हासिल था जब आप वजीर आजम नहीं थे, या अब है जब वजारत उज़्मा का मनसब आपके हाथ में है? हीरा चंद के जहनो दिमाग में एक तरह का खलजान पैदा हो गया, उसकी बहुत सी बातें सच नजर आईं। वो अपने पांव तले से जमीन सरकती हुई महसूस करने लगा। उसने शयामत से कहा, ये हमारे मेहमान हैं, मेजबानी के फराइज तुम अदा करोगी। फिर हसामुद्दीन से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे इस्तराब में मुब्तला कर दिया है, सोच लूं, गौर कर लूं, फिर इत्मीनान से गुफ्तगू करूंगा। खुसरो खान तख्त हुकूमत पर बैठते ही हवास खो बैठा। जब तक हसूल ताज व तख्त के लिए वो साजिश में मसरूफ था उसका जहन काम कर रहा था, उसके दिमाग में कई कई स्कीमें आ रही थी। तदब्बुर, मामला फहमी, फिक्र व नजर, किसी चीज से वो महरूम नहीं था, लेकिन कसरे हजार सतून में दाखिल होते ही और तख्त हुकूमत पर कब्जा करते ही वो जामे से बाहर हो गया। उसने एक तरफ तो हजारों हिंदुओं को बड़े बड़े मनासिब तफवीज किए
ये देखे बगैर कि उन ओहदों की उनमें अहलियत और सलाहियत है या नहीं। दूसरी तरफ शहर के हिंदुओं को खुली छुट्टी दे दी कि वो जी भर के मुसलमानों को सताएं, मस्जिदों की तोहीन करें और मुतबर्रिक मकामात को नापाक करें, और खुद निज़ाम हुकूमत और इंतजाम मुमलिका से बेपरवाह होकर अय्याशी में मुबतला हो गया, इतने इन्हमाक के साथ के गोया उसकी जिंदगी का मकसद ही यही था। कुतुबुद्दीन खिलजी की बीवियों से उसने शादी कर ली थी। दूसरे उमरा और रऊसा की कई बहनों और बेटियों को अपने हिबालाए अकद में ले आया था। बहुत से मौका परस्त, खुद गरज और लालची लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद ही नजराने के तौर पर अपने खानदान की अजीज तरीन लड़कियां पेश कर दी थी। उन सबसे वो दादे ऐश दे रहा था, लेकिन सरमस्ती और ऐश परस्ती का जज्बा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया था। खूब से खूब तर की जस्तजू में वो लगा हुआ था। हर रोज उसके कारशाने में एक नए बुत सीमी बदन की तलाश रहती थी, और जो दिन खाली जाता था वो अलीजा सुल्तान खुसरो खान के लिए इंतहा की तकलीफ व अजियत का दिन होता था। आज न जाने क्या सूझी के सुल्तान खुसरो खान अपने हम मशरब नदीमों और मुसाहिबों के साथ शिकार को निकला। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई, मगर कोई जानवर ना मिला। गर्मी का मौसम, चलचलाती हुई धूप, भूख का जोर, प्यास की शिद्दत और फिर सितम, ये के रास्ता भूल गया। सिर्फ दो मुसाहिब साथ रह गए, बाकी साथी और मुहाफिज सिपाही पीछे रह गए, और ऐसे पीछे रहे कि तलाश बसियार के बावजूद ना मिल सके। खुसरो खान ने पपड़ी लगे हुए होंठों पर जबान फेरते हुए अपने एक नदीम गोपाल से कहा, बहुत प्यास लग रही है, ऐसा मालूम होता है हलक में कांटे पड़ गए हैं। गोपाल ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में रास्ता मिल जाएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे। खुसरो खान ने बेकली के साथ कहा, नहीं गोपाल, हम शहर नहीं पहुंच सकते। गोपाल ने अदब के साथ दस्तबस्ता कहा, ऐसी बदशगुनी की बात क्यों मुंह से निकालते हैं सुल्ताने वाला शान। खुसरो खान ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, देख रहे हो क्या हालत हो रही है हमारी, अगर थोड़ी देर तक और पानी ना मिला और जरा आराम करने की कोई जगह दस्तियाब ना हुई तो गोपाल तुम खुसरो खान की लाश लेकर जाओगे शहर में। गोपाल के चेहरे पर इस्तराब और तशवीश के आसार तारी हो गए। उसने कहा, अगर गुलाम के खून से सरकार की प्यास बुझ सकती है तो वो हाजिर है, लेकिन क्या करूं, जमीन सख्त है, आसमान दूर है। और फिर दफतन वो चिल्लाया, देखिए जहां पना, वो देखिए। जहां पना ने नजर उठाकर देखा तो सामने एक बाग नजर आया जिसमें संगे मरमर की एक बारा दरी भी मौजूद थी और जिंदगी की रौनक भी नजर आ रही थी, चहल पहल, गहमा गहमी। गोपाल ने कहा, जरूर यहाँ पानी मिल जाएगा। खुसरो खान ने मुजमहिल और अफसरदा लहजे में तायद की, उम्मीद तो है। गोपाल ने तसल्ली और दिलासा देते हुए कहा, यहाँ कुछ देर आराम भी करेंगे आप। खुसरो खान ने शक, बेइत्मीनानी और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, ना मालूम ये किसका बाग है, किसकी बारादरी है, दोस्त है या दुश्मन, कौन जाने, क्या मालूम, दिल्ली का जर्रा जर्रा मेरा दुश्मन हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम भीख की तरह चंद कतरे पानी के मांग लाओ। गोपाल ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, जहां पना, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं, बाग दोस्त का हो या दुश्मन का, हम वहां पानी पिएंगे, आराम करेंगे, अगर किसी ने मुजाहमत की तो खून की नदियां बह जाएंगी। खुसरो खान ने और ज्यादा दरमानगी के आलम में कहा, नहीं भाई, ये लड़ाई बढ़ाई का मौका नहीं है। गोपाल को एक नई बात सूझ गई। उसने कहा, लेकिन ये क्या जरूरी है कि यहाँ के लोग जहां पना को पहचान ले, और फिर इस वक्त हमारी जो हालत हो रही है इसे देखकर तो कोई गुमान नहीं कर सकता कि आप बादशाह जीशान हैं, और ये कमतरीन आपका मुसाहिब बदन पर शहाना लिबास भी नहीं है, शिकारियों के कपड़े जेबतन हैं। बात खुसरो खान की समझ में आ गई। मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ ठीक कहते हो, चलो कह देना मुसाफिर हैं, रास्ते से भटक कर इधर आ गए। गोपाल ने तायद की। गुलाम के जहन में भी यही तरकीब आई थी। उस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ बढ़े और जरा सी देर में पहुंच गए। ये एक वसी और कुशादा बाग था, मालूम होता था किसी अमीर कबीर का है। बारादरी भी संगे मरमर की थी और निहायत शानदार बाग में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई मुतनफ्फस नजर नहीं आया। खुसरो खान ने कहा, अभी वहां से जब हमने देखा था तो यहाँ चहल पहल नजर आ रही थी, और अब तो कोई नजर नहीं आता, ये क्या माजरा है। गोपाल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि फिजा में चंद नुकरई कह कहे गूंजे। दोनों ने नजर उठाकर देखा तो एक शोक और शंग नाजरीन अपनी चंद सहेलियों के झुरमट में खड़ी निगाह हैरत से उन नौवारिदों को देख रही थी। नाजरीन की सहेलियों में से एक आगे बढ़ी और उसने मसनूई गुस्से से उन लोगों को घूरते हुए पूछा, गुस्ताख लोगो, तुम कौन हो। गोपाल ने जवाब दिया, पुजारी। उस जवाब पर बाज सहेलियां मुस्कुरा दी, बाज खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन उसने कड़े तेवर के साथ कहा, तुम गुस्ताख भी हो और दरीदाए दहन भी।
یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی اور تالی بجاتا ہی باغ کے مختلف گوشوں سے کئی آدمی نمودار ہوئے جو تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان آدمیوں سے کہا، یہ ٹھگ معلوم ہوتے ہیں، نہ جانے کس طرح آ گئے یہاں تک، انہیں گرفتار کر لو اور ایسی سخت اور اذیت ناک سزائیں دو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ گوپال کا اور اس سے زیادہ خسرو خان کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ تو برے پھنسے، اگر ان پر حقیقت کا انکشاف کر دیا تو ان کا مخاطب بادشاہ دہلی ہے تو کون یہ حال زار دیکھتے ہوئے اس دعوے پر یقین کر سکے گا اور ہنسی اڑے گی اور زیادہ تکلیف دی جائے گی۔ آخر اس نے گوپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واقعی یہ گستاخ اور دریدہ دہن ہے، اسے جو سزا چاہے دیجئے، لیکن میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اپنے پپڑی جمے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر دی۔ یہ حال دیکھ کر اس ناظرین کو ترس آ گیا۔ اس نے اپنی سہیلی سے کہا، یہ آدمی واقعی بہت دکھی معلوم ہوتا ہے، کون ہو تم؟ خسرو خان نے اور زیادہ بے بسی کی تصویر بن کر جواب دیا، ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے، ادھر آ نکلے۔ وہ سہیلی طنز کرتی ہوئی بولی، ادھر آ نکلے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے۔ خسرو خان نے ادب سے عرض کیا، نہیں سرکار، یہ بات تو نہیں ہے، ہم یہ آس لے کر آئے تھے کہ یہاں پانی مل جائے گا تو حلق تر کریں گے، کسی گوشے میں جگہ مل جائے گی تو ذرا سستا لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنا راستہ لیں گے، مگر اس کمبخت گوپال نے آپ کو خفا کر دیا۔ سہیلی نے ناظرین سے کہا، سرکار یہ تو واقعی بڑا دکھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ خسرو خان سے بولی، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ناظرین نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، اور اس کے ساتھی گوپال کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسے نہیں معاف کروں گی، وہ اکڑ کر اور تن کر بولی، اسے سزا ملے گی، اس کے بدن پر کوڑے پڑیں گے، اسے پانی ملے گا لیکن کھولتا ہوا، اور اسے کھانا دیا جائے گا لیکن سڑا ہوا، اسے پناہ کی جگہ ملے گی لیکن تہخانے میں، اور وہاں اس کے ارد گرد آگ سلگا دی جائے گی تاکہ گرمی اسے زیادہ نہ ستائے۔ وہ ناظرین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بڑی ظالم ہو سیتا، ایسا اندھیر بھی کیا؟ خسرو خان نے ایک مرتبہ پھر اپیل کی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ سیتا نے گوپال کی طرف دیکھا اور اسے سوال کیا، تم کیا تم بھی معافی مانگتے ہو؟ گوپال ان باتوں سے تلملا رہا تھا، لیکن خسرو خان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا اشارہ یہ تھا کہ فوراً معافی مانگ لے۔ اس نے غصے کے عالم میں دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں میں معافی مانگتا ہوں۔ اس انداز کی معافی پر سب ہی کو ہنسی آ گئی اور سب زور سے ہنس پڑی۔ گوپال کھڑے کھڑے بیٹھ گیا۔ اس نے خسرو خان سے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ قبل اس کے کہ خسرو خان جواب دے، سیتا بول پڑی، پانی آتا ہے، پیو اور ٹھنڈے ٹھنڈے سے دھارو۔ گوپال شرارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، چلے جائیں گے سرکار، آپ لوگ زندگی نہیں دے سکتے تو موت ہی دے دیں، کیا اس سے بھی انکار ہے آپ کو؟ سیتا نے چمک کر کہا، پھر آ گئے تم اپنی اوقات پر، تم نہیں جانتے میرا غصہ کیسا ہے۔ تڑ سے گوپال نے جواب دیا، وہ بھی تو خوبصورت ہوگا، حسین و جمیل۔ سیتا نے اپنی آقا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھے الانا نہ دیجئے گا، میں بڑی سختی سے پیش آؤں گی۔ گوپال دخل در مقولات کرتا ہوا بولا، جب سر دے دینے کا فیصلہ کر لیا تو سختی سے کیا ڈر، جو چاہے کہیے، سر تسلیم خم ہے۔ سیتا چمک کر بولی، کچھ ہوش میں ہو؟ یہاں سمجھا کیا ہے؟ اگر کہنے پر آ گئی تو بولنا بھول جاؤ گے۔ گوپال نے کہا، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی بھول گیا تھا۔ سیتا الجھتی ہوئی بولی، خیریت چاہتے ہو تو چپ رہو، ورنہ وہ رہا دروازہ۔ گوپال نے سراپا ادب بن کر کہا، اچھا مائی باپ چپ ہوئے جاتے ہیں اس وقت۔ جب تک دھوپ کی تمازت کم نہیں ہو گئی، یہ لوگ وہیں بارہ دری کے ایک کمرے میں آرام سے مقیم رہے۔ ناظرین کی طرف سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا گیا۔ سپہر کے قریب سیتا آئی اور اس نے گوپال کی طرف شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس اب بوریا بستر اٹھائیے۔ گوپال بھی اس کی باتوں سے لطف لینے لگا۔ وہ بولا، اب کہاں جاتے ہیں؟ ہم یہاں سے نکالے جائیں گے تو دروازے پر دھونی رما کر بیٹھ جائیں گے، وہاں سے کون ہٹا سکتا ہے بھلا؟ بیٹھے ہیں راہ گزر پر ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ سیتا بناوٹی غصے کا اظہار کرتی ہوئی بولی، واہ یہ بھی اچھی رہی، دامن پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگے، جاتے ہو یا بلاؤں پھر آدمیوں کو؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ناظرین اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر سیتا خاموش ہو گئی۔ گوپال اور خسرو خان کھڑے ہو گئے۔ ناظرین نے شائستگی اور وقار کے ساتھ پوچھا، آپ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ خسرو خان نے سراپا نیاز بن کر جواب دیا، بالکل نہیں، بلکہ گھر سے زیادہ آرام ملا۔ وہ کہنے لگی، شاید اب آپ رخصت ہونا چاہتے ہوں گے، دن ختم ہو رہا ہے۔ خسرو خان کا جی تو نہیں چاہتا تھا رخصت ہونے کا، لیکن باطل نخواستہ کہنا پڑا، آپ کی مسافر نوازی کا بہت بہت شکریہ، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وہ گویا ہوئی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ گوپال نے جواب دیا، دلی جو ایک شہر ہے، عالم میں انتخاب۔
वो हंसने लगी। बहुत बाजोक मालूम होते हैं आप लोग, रास्ता भटक कर आ गए थे इस तरफ शायद। गोपाल ने जवाब दिया, जी हाँ, बदकिस्मती से हमें रास्ता नहीं याद रहा और खुशकिस्मती से हम आपके आस्थाने तक बारियाब हो गए। वो मुस्कुराती हुई बोली, तो मैं अपना एक आदमी आपके साथ किए देती हूँ, वो उस जगह तक आपको पहुँचा देगा जहाँ से सीधा रास्ता शहर की तरफ जाता है। खुसरू खान ने फिर सरापा शुक्र व सिपास बनकर अर्ज किया, इस एहसान और करम गुस्तरी का शुक्रिया अदा करने को अल्फाज नहीं मिलते। वह मुस्कुराती हुई कहने लगी, अब ज्यादा बातें ना बनाइए। सीता से खामोश ना रहा जा सका, बेसाख्ता बोल उठी, और ठंडे ठंडे तशरीफ ले जाइए। ये कहकर नाजनीन रुखसत हो गई और सीता भी उसके पीछे पीछे चली गई। जरा देर के बाद एक आदमी आया, उसने उन लोगों से अपने साथ चलने को कहा। चंद फरलांग तक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ चलता रहा, फिर एक शाहरा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, यह रास्ता सीधा दिल्ली तक जाता है, आंख बंद करके चले जाओ जवानों। उस आदमी को गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि उन सिपाहियों और सवारों का दस्ता भी मिल गया जो कट गया था। खुसरो खान ने बरहमी के साथ पूछा, कहाँ मर गए थे तुम लोग? गोपाल झिड़कता हुआ बोला, इस गर्मी में, इस धूप में, इस सुनसान जंगल में बादशाह सलामत पाप पयादा चलते रहे, भटकते रहे, थकते और परेशान होते रहे, और तुम्हें जरा परवाह नहीं? उन सब ने सर झुकाकर और हाथ जोड़कर अर्ज किया, हमने कोना कोना छान मारा जहां पनाह की तलाश में, यह हमारी बदकिस्मती है कि अपने आका को तलाश करने में हम नाकाम रहे। जरा देर में ये लोग दिल्ली पहुंच गए। कसरे हजार सतून में पहुंचने के बाद खुसरू खान ने गोपाल से कहा, तुम्हें उस नाजनीन का जल्द से जल्द सुराग लगाने का हुक्म दिया जाता है। गोपाल मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे यकीन था कि जहां पनाह ये हुक्म सादर फरमाएंगे। खुसरो खान कहने लगा, हमने उसे देखा और दिल दे बैठे। क्यों गोपाल, सच कहना, क्या ऐसा हुसन तुमने कभी देखा है? क्या वो इस काबिल नहीं है कि कसरे हजार सतून की जीनत बने? क्या उसके अलावा कोई और भी है जो हमारा दिल फतह कर सके? गोपाल ने अदब से सीने पर हाथ रखकर अर्ज किया, किसकी मजाल है कि ऐसी जुरत करे? जहां पनाह का दिल फतह करने का सिर्फ उसी को हक है जिसने एक निगाह में उसे फतह कर लिया। खुसरो खान खुश हो गया, उसने कहा, सच कहते हो गोपाल, लेकिन ना जाने वो कौन है। गोपाल ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, कोई भी हो, जहां पनाह की रियाया है। खुसरो खान ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, बहरहाल ये तुम्हारा फर्ज है कि उसे तलाश करो, उसका सुराग लगाओ और उसे हमारे हजूर में पेश करो। जहां पनाह ऐसा ही होगा, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। गुलाम भी इस नए काम को जल्द अज जल्द अंजाम दे डालना चाहता है, लेकिन किस तरह सुराग लगाओगे तुम उसका, यह कौन सा मुश्किल काम है। सुबह सबसे पहला काम यह करूंगा कि चंद सिपाहियों को लेकर उस बाग तक जाऊंगा। फौरन पता चल जाएगा कि किसका बाग है, कौन रहता है और वो लड़की किसकी है, कहीं शादी हो चुकी है या नहीं। क्या कहा तुमने, शादी? क्या उसकी शादी किसी और से भी हो सकती है? अब तो नहीं हो सकती, लेकिन मुमकिन है पहले हो चुकी हो। नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। जी बेशक नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। और अगर हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो उसके शोहर की गर्दन कलम कर दी जाएगी। हाँ, कम से कम जो सजा उसे दी जा सकती है वो यही है, हम उसे अपनी मलिका बनाकर रखेंगे, लेकिन उसके शोहर को शिकारी कुत्तों के सामने छोड़ देंगे। बेशक वो बदबख्त इस सजा का मुस्तहिक है। फिर जरा देर ठहर कर गोपाल ने अर्ज किया, लेकिन जहां पना, अगर वो नाजनीन, वो रहजन तमकीनो होश खुद इनकार कर बैठी तब क्या होगा? आप उसके शोहर को अगर कोई हो कत्ल कर सकते हैं, बाप इनकार करे तो उसकी गर्दन उड़ा सकते हैं, लेकिन क्या उस नाजनीन पर भी जबरदस्ती कर सकते हैं? लेकिन गोपाल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जहां पना? इसलिए कि खुसरो खान को नजरअंदाज करना आसान नहीं, वो सिर्फ बादशाह हिंद ही नहीं है, अपने वक्त का सबसे ज्यादा बांका सजीला जवान भी है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, वाकई कौन है जो आपको नजरअंदाज कर सके? और वो नाजनीन? वो भी नहीं, बल्कि वो तो जिंदगी भर पांव धो धो कर पिएगी जहां पनाह के।